आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नए वीक की शुरुआत हो चुकी है और आज भी हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें, आपको सुनने में मजा आएगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए और वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आया तो भी लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो भी डिसलाइक करके कमेंट में बताइए क्या पसंद नहीं आया। जी हाँ, तो दोस्तों बिना वक्त गवाए आज की भी टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों स्नैपचैट से। भाई स्नैपचैट के जितने भी यूजर्स हैं उन सभी के लिए काफी अच्छी खबर है कि स्नैपचैट अपनी ऐप में एआई को शामिल कर रहा है। जी हाँ, कुछ नए कस्टमाइज एआई लाइंस को लेकर आ चुका है जिसे अनवील कर दिया है। वैसे दोस्तों अगर आप भी स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हो तो आप जरूर से नए कस्टमाइज एआई लाइंस को ट्राई कर सकते हो। Qualcomm की बात करें दोस्तों, Qualcomm की अपकमिंग फ्लैगशिप चिपसेट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, ये चिपसेट के साथ कौन सी स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली उसकी डिटेल्स हम लेकर आ चुके हैं, जहां पर दोस्तों Redmi है, OnePlus है, Realme है। जी हाँ, ये सभी कंपनी शामिल है, जहां पर Redmi K80 Pro, OnePlus 13, iQOO 13 एंड Realme GT 7 Pro ये भी शामिल है। वाओ, वैसे देखते हैं दोस्तों तगड़ी कंपटीशन होने वाली है, अब इनमें से कौन सा स्मार्टफोन यही चिपसेट के साथ हमें सबसे पहले भारत में देखने को मिल जाता है। लेट्स सी। Realme की बात करते हुए Realme GT 6 ये स्मार्टफोन को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। वैसे दोस्तों यही नाम से ये जो स्मार्टफोन है वो चाइना में डिफरेंट चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट मंथ। पता है कौन सी चिपसेट होने वाली है? Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन को चाइना में किस कीमत पे लॉन्च किया जाता है। OnePlus की बात करें दोस्तों, OnePlus S3 Pro ये जो स्मार्टफोन है जो कि बहुत ही जल्दी चाइना में लॉन्च होने वाला है। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन के लॉन्चिंग से पहले भी स्मार्टफोन का एंटोनो स्कोर रिवील हो चुका है। पता है कितना आया हुआ है? 23,26,659 निकल कर आ रहा है। वाओ, वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन के बारे में कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन फुल चार्ज से लेकर शटडाउन तक इसमें आपको कंसिस्टेंटली फ्रेम रेट्स देखने को मिल जाएंगे। इवन आप कहीं पे आउटडोर्स पे भी गेम वगैरह खेल रहे हो तो आपको 30 डिग्री सेल्सियस में भी तकरीबन 1 आवर तक काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा यही स्मार्टफोन के साथ। वैसे काफी अच्छी बात है, अब देखते हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन को कितनी ही जल्दी ग्लोबली लॉन्च किया जाता है। मोटोरोला की बात करें दोस्तों, मोटोरोला का रेजर 50 अल्ट्रा ये जो स्मार्टफोन है वो अमेजोन पर लिस्ट हो चुका है। वैसे दोस्तों स्मार्टफोन में बहुत ही जल्दी भारत में देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन के लॉन्चिंग से पहले एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स निकल कर बाहर आ चुकी है। स्मार्टफोन में 6.9 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, मेन स्क्रीन होगी। हालांकि जो आउटर डिस्प्ले कवर डिस्प्ले वो 4 इंच की अगेन OLED डिस्प्ले ही होने वाली है। जी हाँ, Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 चिपसेट की ताकत देखने को मिल जाएगी। 50 megapixel का ड्यूल कैमरा सेटअप होगा, हाइकी 32 megapixel का फ्रंट सेल्फी कैमरा होने वाला है, 3830 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, वो भी 68W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। जैसे दोस्तों आप गेस कर सकते हो कि स्मार्टफोन की प्राइस क्या हो सकती है, कमेंट में जरूर से बताइए। सैमसंग की बात करें दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा ये जो स्मार्ट वॉच है जो कि हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में हमें Exynos W1000 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है और ये अभी तक की सैमसंग की स्मार्ट वॉच को लेकर सबसे पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। वैसे दोस्तों ये स्मार्ट वॉच जो आएगी जिसके बारे में कहा जा रहा है मार्केट के अंदर आने वाली सबसे फास्टेस्ट स्मार्ट वॉच रहने वाली है। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा को किस कीमत में भारत में लॉन्च किया जाता है। Redmi की बात करें दोस्तों, Redmi Note 13 Pro 5G ये जो स्मार्टफोन है जिसमें हमें एक नया कलर वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, स्कारलेट रेड कलर। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन 25 जून को लॉन्च होने वाला है, यानी कल ही लॉन्च होगा और दोस्तों स्पेक्स तो लग रहे हैं मे बी सेम ही हो गए स्मार्टफोन के। अब देखते हैं इसे किस कीमत में भारत में लॉन्च किया जाता है। सैमसंग की ओर से एक और खबर आ रही है दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6, सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 7, सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा, इन सभी डिवाइसेस को NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया जा चुका है। जी हाँ, लॉन्चिंग से पहले दोस्तों आ चुके हैं। वैसे दोस्तों गैलेक्सी अनपैक्ड जो इवेंट होने वाला है 10 जुलाई को होगा, अब देखते हैं दोस्तों इन सभी डिवाइसेस की क्या प्राइस सेट करता है सैमसंग और ये हमें कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाते हैं। टेक्नो की बात करें दोस्तों, भी टेक्नो के हमें अपकमिंग 2 फोल्डेबल स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे, जिसका नाम कहा जा रहा है टेक्नो फैंटम V2 Fold 5G होगा और दूसरा स्मार्टफोन टेक्नो फैंटम V Fold 2 5G होगा। जी हाँ, और दोनों ही स्मार्टफोन को ब्लूटूथ SSD सर्टिफिकेशन मिल चुका है, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस का लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है। अब देखते हैं दोनों ही डिवाइसेस में क्या स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, इसे किस कीमत पे कितनी ही जल्दी भारत में लॉन्च किया जाता है।
काम के डील की बात करें दोस्तों, अगर आपको चाहिए TWS वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड के, फिर जो डीलर है वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है दोस्तों। OnePlus के और से वाले OnePlus Nord Burst 2 जो कि अभी भी आपको काफी कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल जा रहे हैं। और अगर इसी की कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, फिर 12.4 mm के में डायनेमिक टाइटेनियम ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे, अप टू 36 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होने वाला है। वैसे दोस्तों इसके अलावा ये जो TWS आएगा जिसमें हमें IP55 की रेटिंग देखने को मिलेगी, पर एक साल की वारंटी भी तो है, पर क्या चाहिए। और यही TWS की अगर कीमत की बात करें तो अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहे सिर्फ 2499 रुपए में, वैसे काफी बेहतरीन डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, रॉकस्टार की जो गेम है GTA ट्रायोलॉजी, जिया नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां पर दोस्तों ये जो GTA ट्रायोलॉजी जिसमें तीन टाइटल्स देखने को मिल जाते हैं, GTA 3, GTA Vice City and GTA San Andreas। वैसे दोस्तों GTA Trilogy अवेलेबल है Netflix गेम प्लेटफॉर्म्स पर। वैसे दोस्तों पता है कितने डाउनलोड्स हो चुके हैं ये गेम्स के, फिर 30 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड किया गया है ये गेम को, ये वाकई काफी बड़ी बात है। वैसे दोस्तों आपने भी कभी ना कभी GTA गेम को तो खेला ही होगा, पर्सनली मेरा पसंदीदा जो टाइटल है वो GTA 5 है, आपको कौन सा पसंद है कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।